फरीदाबाद में बढ़ते क्राइम के ग्राफ पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्त फरीदाबाद विकास अरोड़ा ने शहर में अपराध में संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ के आदेश दिए हैं। उसी कड़ी में क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की टीम ने 27 नवंबर को क्रेशर जोन के मुंशी के साथ हुई लूटपाट के मामले में दो आरोपियों को पलवल से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 27 नवंबर की रात करीब 8:50 पर भड़ाना क्रेशर जोन का मुंशी अपनी मोटरसाइकिल पर अनंगपुर पहुंचा, तो वहां खड़े एक लड़के ने अपने साथी के साथ मिलकर मुंशी के पिट्ठू बैग पर हाथ मारकर बैग खींच लिया, जिससे मोटरसाइकिल डगमगाकर गिर गई। मुंशी का पैर मोटरसाइकिल के नीचे दब गया था। बैग छीनने वाला व्यक्ति अपने साथी के साथ मिलकर मुंशी का रुपयों से भरा बैग छीन कर ले गया और पास खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ गया और मौके से चंपत हो गया। रुपए जो पाली क्रेशर जोन है उसके आसपास से कुछ लोगों द्वारा लूट करी गई थी उस बारे में, तो उसमें से हमारी CIA टीम ने, CIA सेक्टर 48 ने बहुत ही बढ़िया काम करते हुए दो लोगों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है और उनसे अभी करीब 90,000 रुपये हमने रिकवर कर चुके हैं। इसमें अभी दो लोग और बकाया हैं जिनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी करी जाएगी। सर, ये मामला जो है पूर्व मंत्री से जुड़ा हुआ था, तो थोड़ा प्रेशर था पुलिस में? देखिए, हम कोई भी क्राइम होता है तो हमें पुलिस के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसको उसी टाइम जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए ताकि लोगों में दहशत कम फैले। तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, लेकिन हाँ, मतलब हमें भी काम जल्द से जल्द करना है, तो मतलब बहुत ही बढ़िया काम हमारी पुलिस ने किया है। किस तरीके से ये रेकी करी गई, क्या इनको पहले कोई काम करता था और किस तरीके से हराने के? तो इसमें से एक जो था विमल करके लड़का था पलवल का, जो पहले भी यहाँ मुंशी का काम करता था इसी क्रेशर जोन पे, तो इसको सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था कि पैसा कब निकाला जाता है और कब दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है। तो वही चीज़ का इसने फायदा उठाते हुए अपने साथियों के साथ इसका वारदात को अंजाम दिया। इन्होंने जो है वहाँ नौकरी करी, इन्होंने करीब 3 साल वहाँ नौकरी करी है। हथियार भी बरामद हुए? नहीं, हथियार वगैरह अभी कोई बरामद नहीं हुआ इनसे, अभी सिर्फ पैसे की रिकवरी हुई। कितने पैसे इनसे बरामद हुए और अभी कैसे, मतलब और कार्रवाई चल रही है? इनसे अभी करीब 89,000 बरामद हो चुके हैं और बाकी रिकवरी भी इनसे करेंगे और जो इनके बाकी साथी हैं उनसे भी आगे रिकवरी की जाएगी। पहले का कोई रिकॉर्ड है इनका क्रिमिनल? नहीं, पहले का कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी सामने नहीं आया है। जिस तरीके से चार लोग हैं सर, क्या चार के अलावा और भी इसमें शामिल हैं? से कोई ऐसा आरोपी है जिसका पहले भी कोई बैकग्राउंड क्राइम से रहा हो? नहीं, पहले कोई क्राइम में इनका रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है और अभी तक चार साथियों का ही नाम सामने आया है, तो इसमें से दो राउंड अप हो चुके हैं, दो अभी बकाया है। सर, चारों ही पलवल के रहने वाले हैं कहीं बाहर आसपास के? इसमें से दो लोग पलवल के रहने वाले हैं और बाकी दो भी पलवल के ही अभी पता चले।